गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ, मामा जी भी ठीक हैं। और मामा जी और मैं सुबह सुबह नहाने के बाद तैयार हो गए हैं क्योंकि आज फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो रही है शांति कुंज हरिद्वार से। तो आज हम दिखाएंगे आपको जो शांति कुंज का विश्वविद्यालय है और उसके साथ हम जाएंगे आज ऋषिकेश, और ऋषिकेश में राम झूला, लक्ष्मण झूला और भी वहां पे और भी टेम्पल हैं, तो सब जगह जाएंगे, मामा को भी दिखाएंगे और खुद एक बार दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। तो आज दिन की शुरुआत कर रहे हैं हम रूम से ही। ये जो पटना बिहार से श्रीमान आए हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छा मतलब भजन कीर्तन करते हैं और साथ में अच्छा दो लाइन हो जाएंगी। मैंने पूरे भारत में सभी जगह घूमा, 29 राज्य में कई शहर घूमे, विश्व में ये शांति कुंज हरिद्वार इससे बड़ा स्वर्ग कहीं हो सकते नहीं है। बिल्कुल, मैं मानता हूँ शांति कुंज स्वर्ग है, विश्व का स्वर्ग है, इसलिए सभी मनुष्य को यहाँ आकर एक बार जरूर देखें कि हाँ शांति कुंज क्या है। मेरे लिए तो स्वर्ग से सुंदर है, स्वर्ग से सुंदर, सपन से प्यारा है शांति कुंज दरबार, स्वर्ग से सुंदर, सपन से प्यारा है गुरुवर दरबार, सब पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, गुरुदेव का प्यार न रूठे कभी, हरिद्वार न छूटे किसी का प्यार न रूठे, शांति कुंज दरबार न छूटे। बहुत बढ़िया, तो मामा जी फिर से बैक टाइट करके आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऋषिकेश और आते समय दिखाएंगे आपको विश्वविद्यालय। तो चलो गाड़ी निकालते हैं पहले। और आज भी देखोगे ना, कोहरा ही कोहरा, इतना ज़्यादा कोहरा आ रखा है आज तो, आज क्योंकि हमें बहुत लंबी ट्रिप में भी चलना है। चलो मामू, अरे क्या कर रहे हो सुबह सुबह, धूम्रपान धूम्रपान जानलेवा है, ऐसा कौन करता है सुबह सुबह? मामा कह रहे ठंडा हो रहा है सुबह सुबह। तेल तो हमने गाड़ी में डाल दिया, परंतु पैसे ही नहीं है मामा जी, पैसे दे दो। देखते हैं कितने पैसे निकल रहे हैं, अभी देखना है। रुपये की कोई कमी नहीं है, पर्स निकल गया मामा का, पर्स दिखाते नहीं है, बहुत पैसे हैं पर्स में। सबको मत दिखाना, लाओ तेल के लिए पैसे। देखो मामा जी तेल के लिए पैसे कितने देते हैं, 20 रुपए का तेल आएगा, 20 रुपए में जब हो जाएगा तो तेल भैया आप ज्यादा क्या दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं मामा जी तेल के लिए, तो की देने हैं वहाँ, तो चलो 20 रुपए दे देते हैं यार। ये लो भैया, हो गए जितने का तेल डाला ना, 20 रुपए कम हो गए। चलो कॉफी पीते हैं यार। तो मामा जी अभी कॉफ़ी पी रहे हैं क्योंकि हम पहुंच गए अभी सीता झूला के पास, और मैंने ऋषिकेश का भी पूरा व्लॉग बनाया था जिसमें पूरा ऋषिकेश मैंने एक्सप्लोर किया था। तो आसमान में हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं, यहाँ पर तो फिर भी सूर्य भगवान के हल्के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन नीचे कोहरा से तो सभी कुछ ढका हुआ है। सीता झूला के जस्ट पास में जो है बहुत सारी चिताएँ जल रही हैं, और एक चिता यहाँ पे अभी लग रही है, कोई फोर्स के जवान शहीद हुए, तो अभी दिखाएंगे आपको यहाँ पे किस तरह से उनका अंत्येष्टि आखिरी संस्कार किया जाता है। उसके बाद हम पहुँच गए हैं परमार्थ निकेतन के ठीक सामने, जहाँ पर आरती होती है, यानी ऋषिकेश में। इस जगह का नाम क्या बाबू जी? परमार्थ निकेतन के नाम से ही जाना जाता है। मामा जी एक बार डुबकी और लगाने वाले हैं यहाँ पे। अरे कपड़ों के साथ ही लगाओगे डुबकी है ऐसे ही? अरे मामा ऐसे मत करो, अरे मत करो, अरे मुझे लगा वाकई में डुबकी लगाने वाले हैं। और ये रहा राम झूला, तो अब राम झूला में चलते हैं
और उसके बाद चलेंगे लक्ष्मण झूला के साथ 12 मंजिला मंदिर और 13 मंजिला मंदिर में। तो चलो मामू। अब उसके बाद ऋषिकेश यानी लक्ष्मण झूला के पास में जो कि 12 मंजिला मंदिर है वहाँ पर, और इसके बाद जाएंगे फिर 13 मंजिला जो सामने है। तो पिछली बार हमने 13 मंजिला मंदिर नहीं देखा था तो वो भी दिखाएंगे। तो पहले दिखाएंगे आपको 12 मंजिला मंदिर। अगर आपको पूरा मंदिर देखना है तो आप पिछली वीडियो में जा कर के देख सकते हैं। मामा जी फिर से बीड़ी फांकने लग गए। अब मामा जी के साथ थोड़ा बहुत प्रैंक करते हैं, पुलिस आ गई करके डराते हैं, देखते हैं मामा कितना ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अरे फेंक दो पुलिस आ गई, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है। अरे मत पियो ऐसे, अरे सही में पुलिस आती है यहाँ पे। अरे मत, सही में कह रहा हूँ। अरे देखो वो देखो देखो आ रहे हैं, देखो वो देखो। मामा के साथ प्रैंक हो गया, छोड़ेंगे नहीं मामा इसका मतलब। अरे यार भैया जब वो छूटेगा वो ही तब ही छूटेगा, नहीं तो पुलिस नहीं पूछेगा बाप आ जाए यहाँ यहाँ को देगा भैया। चोरी तो कर नहीं रहा हो, इसे शैतानी नहीं कर रहा हूँ, अपना इश्क है अपना बजा रहा हूँ। इश्क है, इश्क नहीं ये वो है अमल, मामा खत्म करने तक छोड़ेंगे नहीं। अब तो यार चैन से लेता हूँ, सब जाके फिर भगवान के दर्शन करेंगे। अच्छा क्यों शानदार है, अभी तो और शानदार दिखेगा, चलते रहो। हाँ और इस 12 मंजिला मंदिर में सबसे ऊपर पड़ता है श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर, तो आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ से अगर पूरे ऋषिकेश का व्यू देखना है ना तो इससे बेस्ट जगह आपको नहीं मिल सकती है आसपास। अब जरा मामा से पूछते हैं, मामा कैसा लग रहा है यहाँ से? नीचे देखो एक बार, नीचे देखो देखो देखो, अरे देखो 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 देखो, आनंद लग रहा है भाई, डर भी डर भी लग रहा है, आनंद भी आ रहा है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, और रोड साइड का व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है, मानो अभी तो ड्रोन का शूट लिया जा रहा है। तो मामा इस मंदिर में चढ़ने में कितना टाइम लगा होगा? लगभग एक घंटा ना आराम से दर्शन करने में। तो अब देखो ठीक सामने वो 13 मंजिला है, तो अभी उस मंदिर में चलना है। तो बताओ उसमें कितना टाइम नहीं लगेगा? उसमें डेढ़ घंटा उसमें भी लग जाएगा, डेढ़ दो घंटा दो घंटा तो मान के तो चलें फिर अब उसमें। तो अब चलते हैं सामने 13 मंजिला में दर्शनों के लिए, क्योंकि पिछली बार में दर्शन न कर पाया न करा पाया, इस बार कराते हैं आप लोगों को। पिछली बार आप लोगों ने देखा था लक्ष्मण झूला पे काम चल रहा था और अभी भी काम चल ही रहा है यहाँ पे। लक्ष्मण झूला के जस्ट पास में है जो 13 मंजिला मंदिर है, परंतु ये पुल के बंद होने की वजह से भी, और वैसे भी इसमें श्रद्धालु कम है, और ऊपर के सारे फ्लोर जो हैं बंद कर रखे हैं, और मेरा कैमरा बंद नहीं होगा, मामा की बीड़ी नहीं छूटेगी। मामा ने भी शपथ ले रखी है और मैंने भी शपथ ले रखी है। कैमरा चालू ही रहेगा मामू, मार दो फिर एक छुट्टा मार दो। क्या बात है, ऐसे सुट्टा आप लोग मत मारिए, सुट्टा बहुत खराब चीज है। भैया पिए जा रहे हैं। आसमान से हल्की हल्की बारिश की बूंदें भी गिर रही थी, और वहां से फिर हम आगे बढ़ चले, यानी ऋषिकेश में ही है अभी, अभी हैं त्रिवेणी घाट में। तो यहां पे मामा जी को दर्शन कराते हैं, और एक बार पुनः दूसरी बार दर्शन करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो रहा है। नजर कभी हो
आरती भी हो गई, यानी महाआरती भी देख ली है आज। और पिछली बार जब मैं आया था मैं महाआरती नहीं देख पाया था, तो मामा जी ने भी देख ली। मामा जी कैसा लगा? कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया लगा मामा को भी। तो अब दोनों निकल पड़ते हैं यहाँ से सीधे शांति कुंज हरिद्वार के लिए। यहाँ से अभी काफी दूर है, लगभग 20-25 किलोमीटर होगा और रात भी हो रही है। हम लोग वापस आ गए हैं शांति कुंज में, और देखो अभी शाम के लगभग 7:30 होने को जा रहा है। तो चलो आज का विश्राम इधर ही, कल फिर निकल पड़ना है एक नए सफर में।